से बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी, हमने सीएए का फैसला किया। देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। सोमवार की शाम मोदी सरकार के एक फैसले ने देश के सियासी गलियारे में ऐसी सरगर्मी बढ़ाई कि हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अचानक से सीएए का नोटिफिकेशन आया और लागू हो गया नागरिकता संशोधन कानून। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे, कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू बौद्ध जैन ये सारे सिख ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने कई सवाल उठाए, आप सिर्फ असम, आप सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों कर रहे, श्रीलंका क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं शामिल किया, ऐसे कई सवाल उठे थे। पर मेरा सवाल यही है, आज मेरा कहना यही है, 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? सीएए के पन्नों में 3 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। वहीं बीते दिनों सीएए एनआरसी पर मचे मजहबी गदर के बीच सरकार ने भी साफ कर दिया, इससे किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। सीए का कानून लाया गया ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मुद्दा अगर मजहब से जुड़ा हो तो सियासी मजमा जुटने में भी कहां देर लगती है। अपने देश में चुनाव से पहले अचानक सीएए के दाम ने विपक्ष को तनाव दे दिया। सीएम योगी ने जहां इसे ऐतिहासिक फैसला बताया, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता भटकावे की राजनीति का भाजपा ही खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। अब ओवैसी से लेकर केजरीवाल तक, केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक सब विरोध में खड़े हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि ये बीजेपी का चुनावी दाम है। के CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि OECG, NPR, NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई TV इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR, NRC आएगा जब CAB था, बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है मुसलमानों को नहीं मिलेगी। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होकर यहां नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे सेक्स हैं जो अलग अलग हैं, आपने स्पेशली मुसलमानों को उसमें सेपरेट कर दिया। बहरहाल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जहां CAA को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, मई 2024 के चुनाव में लागू भी कर दिया। कुल मिलाकर राम मंदिर, धारा 370 के बाद अब CAA लागू। ऐसे में सवाल यही है कि लोकसभा का है चुनाव, इसलिए चला CAA का दाम। सवाल ये भी कि विपक्ष को क्यों है तनाव।